आपको इबादत भी दिखाएंगे अगर मोबाइल लेकर के साथ आप हमारे साथ ही बने। वो मुचड़ जाते कपड़े ढूंढते वक्त, लेकिन शॉल में तो इनको ऐसा कड़ा कर देती है ना कि पूछे मत। तो आप भी रब्ता कर सकते हैं हमारे लॉन्ड्री वाले से? नहीं। तो अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। फ्लेक्स सीड्स की जेल बनाई थी जो कि आप भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपको नहाना हो। लाती है दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह दूर करती है, तो आप कोशिश करें कि यही वाली चिकनी मिट्टी यूज़ किया करें। कभी खुदावंद ने मौका दिया तो फारस की बड़ी। हेलो अच्छी फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए, कैरे से हम भी बिल्कुल ठीक है और कैरे से हैं। तो यहाँ पर हो रहे हैं चावल साहब, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ दाल और चावल, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने दाल और चावल बनाने हैं, तो मज़ेदार से मेरी साइड दाल चावल बनेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने स्किन पे लगाया है रॉ मिल्क, क्योंकि रॉ मिल्क लगाने से हल्का सा स्क्रब करने से जो स्किन के डेड सेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। आप लोग भी घर में छोटे छोटे टिप्स करते रहा करें, जैसे घर में रात को दूध आता है आप मेरी तरह सेव कर लिया करें। हम लोग तो अक्सर दूध को सेव कर लेते हैं हल्का सा, ताकि हम अपनी स्किन पर लगा सकें। और इसके साथ ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी थी, हम लोगों ने ये भी मंगवाई है। आप ये देख सकते हैं चिकनी मिट्टी जो कि बहुत ही ज़्यादा कारामद होती है, बहुत ज़्यादा हमारी स्किन पे ग्लो लाती है, दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह दूर करती है, तो आप कोशिश करें कि यही वाली चिकनी मिट्टी यूज़ किया करें। और ये है ब्लैक पील ऑफ मार्क्स है जो कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, और हर किस्म के जो चेहरे के ऊपर आपके डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही ख़ास होता है ये है अर्के गुलाब, अर्के जल जो भी इसको कह सकते हैं आप लोग कह लें, ये है, ये भी हमने मंगवाई है। अभी हम पहले मैंने रॉ मिल्क लगाया था, अभी हमने बनाया है रॉ मिल्क के अंदर चिकनी मिट्टी, और अभी वो भी मैं अप्लाई करूँगी। आप लोग हमारे साथ ही बनाना। और आज जो है हमने सैटरडे है, आज हमने जाना है चर्च, उसकी तैयारी भी आपको दिखाएंगे। अभी शॉर्ट में करेंगे सबके प्रेस, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको तो शुरू से पता है जो ड्यूटी है शॉल में की कपड़े प्रेस करने की, वही अभी तक सर अंजाम दे रही है, ड्यूटी चेंज नहीं हुई है। तो चले चलते हैं, मैं चौथी किचन में दाल देखती हूँ, क्योंकि दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है, और फिर साथ चावल बना लेंगे, और फिर साथ बनाएंगे अपनी चाय जो कि लाजमी मुझे चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा ली है चिकनी मिट्टी और रोज़ वाटर, और हल्का सा रॉ मिल्क डाल दिया था, तो अब ये सूखने के बाद पता चलेगा। और मैंने सर पे भी हमने बनाकर रख दी थी जेल, फ्लेक्स सीड्स की जेल बनाई थी जो कि आप भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपको नहाना हो एक घंटा दो घंटा लगा लें, इससे आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, जो कि मैंने लगा लिया था। तो उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो अभी जो होती किचन में मिलवाती हूँ आपको दाल के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल डन हो चुकी है, मैंने खिड़की बंद की है कि खिड़की से बाहर से धूप आती है तो वो फेस पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची नहीं डालते हैं, हस्बैंड जी को बीपी का मसला हो जाता है, इसलिए जिसने भी लेनी होती है वो हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी दाल, यमी यमी सी दाल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके साथ बनाऊँगी मज़ेदार से चावल, तो वो भी आपको दिखाएँगे। तो हमारे साथ ही बने रहना, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर शॉल में कर रही है कपड़े प्रेस, और ये मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, आप देख सकते हैं ये मेरे कपड़े हैं। शॉल में मेरी बेटी बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करते हैं, जितने भी हम तय करके रखे ना वो मुचड़ जाते कपड़े ढूंढते वक्त, लेकिन शॉल में तो इनको ऐसा कड़ा कर देती है ना कि पूछे मत। तो आप भी रब्ता कर सकते हैं हमारे लॉन्ड्री वाले से? नहीं। तो अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप रब्ता नहीं कर सकते, ये तो हमारी मूवी मेकर हैं और एडिटर हैं, तो आप लोग जिसने कुछ पूछना होगा मूवी के वगैरह अब नहीं बोलना, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखते रहे, कपड़े सीखने होंगे तो शॉल में से सीखने गए, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। राइस भी तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार से यमी से मैंने बनाए हैं वाइट राइस तड़के वाले, जो कि बहुत अच्छे बने हैं, और जिनेडा ने तो खा कर आगाज़ भी कर दिए हैं और खुदावंद की बरकत दे दी है खाने को। तो अभी चाय भी हम पीने लगे हैं, और मैंने भी शावर ले लिया है, सिबल को मैंने शावर करवा दी है, उसके बाद अभी फिर हम तैयारी करेंगे अपने चर्च जाने की। आप लोग हमारे साथ ही बन रही है, जिस जिससे आना है खाना खाना है चाय पीनी है आज हमारे साथ, और इन्जॉय करें दाल चावल। और यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई, हस्बैंड जी आए थे उन्होंने भी चाय पी लिया, सिबल ने पी लिया, अब पीने लगी मैं और शॉल में, और आप लोग भी आ जाए और हमारे साथ चाय को इन्जॉय करें, चाय माई फेवरेट।
हाँ पर हम चर्च के लिए तैयार हो चुके हैं और हम लोग चर्च जा रहे हैं। तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, आते आते हमें देर हो जाएगी। और सिबल टेबल के ऊपर से खाने को झांक रही है क्योंकि सिबल देख रही है क्या बनाया है। और जैसे कि आपको पता है कि आज तो मैंने दाल चावल बनाए हैं, तो अभी चलते हैं। सिबल आओ आप भी। और ये सिबल है और आपने बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को दुआ में याद रखने हैं। और ये शॉल मेट है और हम लोग चर्च जा रहे हैं, तो फिर हम आपको इबादत भी दिखाएंगे अगर मोबाइल लेकर के साथ आप हमारे साथ ही बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जिसको करने में सदियां गुजर जाती हैं, उम्रें गुजर जाती हैं। हम कहते हैं समझ नहीं आती कि करिए कि ना करिए। समझ पता क्यों नहीं आती? किसी लिए खुशी तो किसी ने कुछ समझी ही कोई नहीं। जो किसी को कुछ समझ दो तो समझ भी आ जाती है। हालेलुया। अब आगे सुनिए। बैतलहम में तेरा नाम हो और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस शहर से कभी खुदावंद ने मौका दिया तो फारस की बड़ी